माधवी चरणों में वंदन, गुरुदेव आचार्य महाश्रवण जी के चरणों में वंदन, उपस्थित भगवान। आज हमें बात करनी है कर्म का कर्जा कैसे चुकाएं। अब हम जितने भी यहाँ बैठे हैं और दुनिया में जितने भी लोग हैं सारे कर्जदार हैं, कर्जदार। पैसे का कर्जा चुकाना फिर भी आसान है, कर्मों का कर्जा चुकाना बड़ा मुश्किल है। आपसे प्रश्न कर रही हूँ, जिंदगी में हमारे अप्स एंड डाउन आते हैं, सुख दुख मिलता है, कौन देता है? यहाँ बैठे हो इसलिए, घर में भी याद रहता है, बिजनेस में याद रहता है कि किसकी वजह से तकलीफें हो रही है, कष्ट किसकी वजह से हो रहा है, हैं? अगर कर्म ही हमारा मूल होता, कर्म से ही हमें सुख दुख मिलता तो फिर तो हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे होते, कहीं खुशी से कोई भी कंप्लेंट नहीं होती हमको। लेकिन होती कि नहीं होती? हमारी उंगली किधर जाती है? आई एम ऑल राइट, ड्यू टू हर, ड्यू टू हिम, आई एम सफरिंग एवरी डे, बोलते कि नहीं बोलते? दो बात, यहाँ का दिमाग अलग है, धर्म स्थान का और घर परिवार का दिमाग अलग है। एक कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है हमारे मस्तिष्क के अंदर, इससे हम ज्यादा कर्मों का कर्जा और बढ़ा रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने उत्तराधन सूत्र में कहा, अपाकता विगताय दुहाणय सुहाणय अपामित्तम मित्तम च दुपट्ठीय सुपट्ठीयो। और ये वित्रा की वाणी है, और वित्रा की वाणी सर्वथा यथार्थ होती है कि अपनी आत्मा ही सुख दुख की कर्ता और विकर्ता है, वही सुख देती है वही दुख देती है। और सारे कर्मों का ये झाल बना हुआ है। और कर्म है कितने, कितने कर्म है सबको नाम याद है? किसको याद नहीं है बता दो, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ आपको भी याद आ जाएगा। एक ज्ञानचंद भाई, पहला कर्म ज्ञानावरणीय का, ज्ञानचंद भाई मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और रास्ते में उनको पेट में वेदना हो गई। उनके मित्र मिले मोहन भाई, मोहन भाई से बात की कि भाई मेरे को लगता है मेरा आयुष्य अब खत्म हो जाएगा। तो मित्र ने कहा, ऐसा लग रहा है तो तुम अपने भगवान का नाम ले लो, नाम ले लो और अपने गोत्र देवता को याद करो तो तुम्हारी सारी अंतराएं दूर हो जाएगी, तुम्हारा जीवन बच जाएगा। याद हो गया मुझे लगता है। बस इतनी कर्म की दुनिया है हमारी। कर्म जीव होते कि अजीव होते? जीव। दो बात हो रही, एक उधर जीव इधर अजीव। कर्म पुद्गल है, कर्म जीव नहीं है अजीव है। फिर भी ताकत किसकी ज्यादा है, आत्मा की कि कर्म की है? अजीव की ज्यादा है। प्रैक्टिकल रूप में आपको क्या फील होता है? कर्म की ज्यादा, क्योंकि हमने अपने मालिक को एक साइड में रख दिया कि तुम्हारा कोई काम नहीं है, और हमने कर्म को इतना प्यार दे दिया कि कर्म के अनुसार हम चलते रहते हैं। और ये तय है, सुख और दुख हमारी फैक्ट्री है, ये ब्रेन में एक विचार की कंपनी चलती है, विचार कंपनी। और ये तो तय है कि जिस बंदे को अपनी फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट पैदा करना है वो उसके हाथ में है कि नहीं? अब आप देखिए, आपको क्या चाहिए, सुख चाहिए कि दुख चाहिए? चाहिए क्या? सुख। पैदा क्या कर रहे हो? दूसरा कोई नहीं देता, हमारे थॉट ही हमारा सुख पैदा करता है और हमारा दुख पैदा करता है। और दुनिया में हम सबसे बच सकते हैं, सबसे
लेकिन कर्म से कोई नहीं बच सकता। बहुत सुंदर गाया है, देव दानव तीर्थंकर गणधर हरि हर नर वर सबड़ा, कर्म संयोगे सुख दुख पाम्या सबड़ा हुआ महान बड़ा रे प्राणी, कर्म समो नहीं कोई की धा कर्म भोग बिना छूट कबार न होय रे प्राणी, कर्म समो नहीं कोई। शक्तिशाली, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है तीर्थंकर, चक्रवर्ती, गणधर, बड़देव, वासुदेव, देवी देवता सारे ले लो, मनुष्य को साइड में छोड़ दो, सारे के सारे शक्तिशाली हैं, लेकिन तीर्थंकर जैसी महान आत्मा भी कर्म से बच नहीं सकती है। एक एक पाई का हिसाब हमें चुकाना पड़ता है, चाहे रो के चुकाओ चाहे हंस के चुकाओ। कहते कर्म बांधते समय तो ध्यान में नहीं रहता है, लेकिन जब वो खेती पक जाती है, जब इसका फल खाते हैं खट्टे दुख वाले, तब इंसान बड़ा बेचैन हो जाता है, तब उसको ध्यान नहीं रहता और उसको ये लगता है कि मेरी साथ ही ऐसा क्यों होता है। बंधुओं समझना है, एक इंसान ऐसा है चारों गति में, जिसको ये समझ है, ये नॉलेज है, वो चाहे तो अपने कर्मों का कर्जा पूरा चुकता कर सकता है, पूरा चुका सकता है। बहुत सारे निर्जरा के प्रकार है और एक प्रकार है तपस्या, तप। तप के माध्यम से कर्म हम कम कर सकते हैं। मैंने आपको एक दिन बोला था, पूछा था, सवाल किया था कि तपस्या से हम किसको तपाना है, आत्मा को, आत्मा को कर्म मुक्त करना है, हम शरीर को क्यों तपाते हैं, क्यों तपाते हैं, किसी को आता आंसर इसका है? आत्मा को तपाना, शरीर को क्यों तपाना, शरीर ने तो कुछ बिगाड़ा नहीं है। लेकिन आपको पता हो, ये प्रश्न किया किसान ने जो उसको पता नहीं था। एक जैन बंधु ने बताया कि भाई तुम्हारे हाथ में जो घी का पीपा है, कंटेनर है घी का, और ये विंटर का मौसम है, पूरा घी जम गया पूरा, अब उसमें से ये 20 किलो का पीपा है, मुझे उसमें से 5 किलो घी लेना है। अब वो किसान क्या करेगा, तपाएगा। अब पीपे ने क्या बिगाड़ा, चाहिए क्या, और तपा किसको रहे, क्यों, क्योंकि जब तक पीपा नहीं तपेगा वो घी निकलने वाला नहीं। ठीक वैसे ही जब तक हमारी आत्मा से जो कर्म लगे हैं ये बॉडी नहीं तपेगी तो वहां से हटने वाले नहीं है, वो जमे हुए। कर्म अजीव है, निर्जीव है, लेकिन आत्मा के साथ लगने के कारण इसमें ताकत आ जाती है। और मुझे तो कई बार प्रश्न आता है कि हम 84 योनि में घूमते हैं, अभी हम मनुष्य हैं, बाकी तो हमको पता नहीं हम कहाँ कहाँ जाके आए और आगे कहाँ जाएंगे, लेकिन कर्म को कैसे पता चलता है कि इसको ऐसा कर्म किया उसको ऐसा फल देना है। इस जन्म में नहीं, कई जन्मों के बाद भी मिलते हैं। शायद गज सुकुमार का आपने नाम सुना होगा, 99 लाख भव के बाद वो कर्म उदय आए थे, जब उसका सोमिल ने उस पे सिगड़ी चलाई थी। भगवान महावीर स्वामी को भी बहुत जितने उपसर्ग आए हैं वो किसके कारण आए, खुद के कर्म के कारण। तो कर्मों को कैसे पता चलता है कि इसने इस जन्म में ऐसा कर्म किया है, और जब उसकी एफडी पक जाती है कर्म की और उसको पूरा ब्याज सहित मिल जाता है। आपको पता है हमारी आत्मा जब एक भाव से दूसरे भाव में जाती है तो कैसे जाती है, कौन सी कार में बैठ के जाती है, हैं? दो बॉडी होती है उसके साथ, तेजस और कार्बन शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। तेजस शरीर शक्तिशाली है और कार्बन शरीर जो कर्मों का योग है वो उसमें ताकत नहीं है। तेजस शरीर के कारण वो कार्बन शरीर में हमारी चिप लगी हुई है। कौन से जन्म में हमने कौन से कर्म किए हैं पूरा डेटा, ये कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ हो सकती है लेकिन उस कार्बन शरीर में कुछ गड़बड़ होने वाली नहीं है। कितने जन्मों का पूरा लेखा जोखा उसके अंदर भी है, इस जन्म में भी है, हम उसको खोलते नहीं, खोलते बात अलग है, लेकिन जब हमारा
कर्म को जब हमारा भुगतान करने का टाइम आता है तो हमारी फाइल खुली खुली जाती है। समझ में आता है? दर्दी है, कोई पेशेंट है, उसके आसपास में और भी बेड है, डॉक्टर आते हैं, तो दर्दी वो पेशेंट किसकी फाइल देखता है? खुद की देखता है, आसपास लोगों की नहीं देखता है, उसको अपने खुद की फाइल से मतलब है, खुद का देखता है, डॉक्टर भी उसकी फाइल देखता है। तो हमारा ये कर्म राज भी हमारी फाइल देखता है, उसके अनुसार हमको मिलता है। मैं कुछ घटनाएं आपको बताना चाहूंगी। एक बहन ने बहुत मन्नतें की, उसके कोई बच्चे नहीं थे, तो देवी देवताओं को मानते थे और ट्रीटमेंट भी बहुत करवाए और योग से उसका एक बेटा पैदा हुआ। बेटा ऐसा था बदमाश, नाक में दम कर दिया। उस बहन को लगा कि भाई नहीं था तो अच्छा था, आके और परेशान हो गए, हम तो पूरे परेशान हो गए। ढंग से बैठने नहीं देता, सोने नहीं देता, खाने नहीं देता, इतना शैतान। उस समय के बाद 10 साल का बच्चा होता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, और माँ को दुख भी होता है और सुख भी होता है, क्योंकि शैतान बहुत चला गया कोई बात। लेकिन बच्चा वापिस निसंतान हो गई, वो योग से उसके दूसरा बच्चा होता है, और वो बच्चा बचपन से ही बीमार। देखो कई बच्चे बचपन से ही बीमार होते हैं, किसका हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, किसका शुगर लेके आते साथ में, बचपन से ही बीमारियां शुरू हो जाती। इतना खर्चा करवाया उसका, बहुत खर्चा किया, और कुछ समय के बाद वो भी चला जाता। कहते उसके तीसरा बच्चा और होता है, लेकिन उसके संतान का सुख जीवन में लिखा हुआ नहीं था, ये भी कर्म की माया है। वो तीसरा बच्चा इतना खर्चा करता है, जैसे जैसे बड़ा हो गया, 21 साल का हो गया, खर्चा बहुत करता है, जितना भी उनके पास संपत्ति थी काफी कम हो गई, और माँ तो बहुत परेशान होगी। तीनों बच्चे उस माँ के लिए तो बराबर सिर दर्द बन चुके थे, और योग से वह भी बच्चा जीवित नहीं रहा, सब चले गए। पीछे क्या बचा? ऐसी भी वेदना, भयंकर पीड़ा कौन दे सकता है, किसकी ताकत है? अपने को सुन के दया आ जाती है कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। एक नहीं, तीन तीन बच्चे जिस मां के चले गए, और वो भी सब कुछ लेके गए। ज्ञानी उस गांव में आते हैं, ज्ञानी संत आते हैं, वो बहन उनके पास जाती है, सवाल करती है कि महाराज मेरा एक सवाल है, आप ज्ञानी हैं, आप ज्ञान से मुझे बताइए कि मेरे ऐसे बच्चे तीन हुए, ऐसे क्यों हुए, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए। कहते हैं उस संत को ज्ञान था, उसने ज्ञान के माध्यम से देखा और उनको बताया कि जो पहला बच्चा था कैसा था, कौन था वो? शैतान था। वो बच्चा तुम्हारे घर का ही सर्वेंट था और दूसरा नहीं था, लेकिन तूने कभी भी उसको शांति से बैठने ही नहीं दिया। एक काम पूरा, दूसरा कर, ये पूरा, दूसरा कर, तीसरा, ऐसे कंटिन्यू उसको काम में लगाए रखा, कभी शांति से उसको रोटी खाने नहीं दिया। ये क्या हुआ तेरा? रिटर्न भर दिया तूने वापिस। दूसरा जो बच्चा था वो भी तुम्हारे घर का ही था, कोई दूसरा नहीं था, तुम्हारे सास का जीव था। सास वो जब बीमार थी, तुमको सेवा करनी थी और टेक करने वाली तुम ही थी, तुमने ध्यान दिया नहीं, अपने पियर चली गई, और तुम्हारी उस सास के दिल से ऐसी बद्दुआएं तुम्हारे लिए निकल गई, जो तुमको सेवा करके कर्जा चुकाना था वो तूने वहां चुकाया नहीं और बढ़ा दिया, और वही जीव वापिस बेटा बन के आया और तूने सेवा की, वो तुम्हारा कर्जा पूरा हो गया, वो बंदा चला गया। तीसरा कौन था? उसने कहा तीसरा वही जिससे तुमने पैसे लिए थे, करोड़ रुपए उससे ले लिए, रिटर्न नहीं किया, ये पैसे का कर्जा लिया था तूने, अब वो तेरा बेटा बन करके, उस समय तो दिए नहीं लेकिन तेरा बेटा बन करके तुम्हारी संपत्ति को लुटाता रहा, तुम कुछ कह भी नहीं पाए, तुम्हारी संतान थी। जब वो कर्जा ब्याज सहित पूरा हो गया, 21 साल तक तुम्हारे साथ रहा, कर्जा पूरा हो गया, वो भी चला गया। ऐसे कर्मों का कर्जा हमें भरना पड़ता है। शायद आपको याद हो भगवान महावीर ने भी भरा था कि नहीं भरा था? कहते हैं जब भगवान महावीर स्वामी और गौतम गंधर्व विहार साथी कर रहे थे, और रास्ते में उन्होंने देखा कोई खेत में एक आदमी था, और भगवान की दृष्टि पड़ गई तो गौतम से कहा
कि ये बंदा दीक्षा ले सकता है, तुम उसको उपदेश दे दो, मैं आगे चलता हूं। तो गौतम गंधर्व तो इतने विनीत थे, भगवान की आज्ञा होने के बाद प्रश्न नहीं करते थे कि आप क्यों नहीं चलते। अब तो कितने कोई बड़ा बोल देंगे तो आप हमें क्यों कहते हो, मैं ही हूं क्या काम करने के लिए, आप नहीं कर सकते, आप मेरे साथ चलो, कितने क्वेश्चन करेंगे। लेकिन गंधर्व गौतम ऐसे नहीं थे, भगवान ने जो कह दिया हमको पाठ पढ़ा दिया कि बड़े आपके जो कहते हैं आप उसको फॉलो कर लो, क्वेश्चन मत करो। तो गौतम गणधर उनके पास गए, भगवान आगे चले गए। गौतम गणधर ने उनको अच्छी अच्छी बातें बताई धर्म की, और जैसा भगवान ने कहा था वैसा ही हुआ, उसका मन हो गया साधु बनने का। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे आप जैसे बना दो, और ये बात गौतम को पता थी कि भगवान पहले ही बोल चुके हैं। तो गौतम गणधर उनको वही दीक्षा दे देते हैं, साथ में लेकर के जाते हैं। तो नव दीक्षित साधु बोलता है आप ही तो मेरे गुरु हैं। बोले नहीं, मैं आपका गुरु नहीं हूँ, मेरे और आपके गुरु एक ही हैं, भगवान महावीर स्वामी। कहते हैं जैसे वो समव शरण के अंदर आते हैं और समव शरण के बाहर से उनको भगवान महावीर स्वामी देशना देते हैं, उनका चेहरा दिख जाता है, तो वहीं रुक जाते हैं। तो गणधर को तो पूछते अंदर चलो, बोले नहीं वो कौन है, बोले वही हमारे गुरु है, हमारे भगवान वही है। बोले मैं नहीं जाता, कोई कर्म का कर्जा उनके साथ था, वो वहीं से अपना ओगा पात्र छोड़ के वहां से चला जाता है। गौतम गंधर्व भगवान महावीर से पास आते हैं, पूछते हैं मैं जिनको दीक्षित करके आया लेकर के आया और आपको देख करके क्यों चला गया। तो भगवान महावीर फरमाते हैं इसलिए मैंने तुझको बेचा था, पिछले जन्म से इसका भी ऋण मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैंने तो ग्रंथि तोड़ दी, राग और द्वेष की ग्रंथि मैंने तो तोड़ दी, लेकिन उसने अभी नहीं तोड़ी है, इसलिए वो बैर भाव जगा और मुझे छोड़ के चला गया। जब जब हमारे दिमाग के अंदर किसी के प्रति ज्यादा, किसी के प्रति राग कम, किसी के प्रति ज्यादा राग, किसी के प्रति द्वेष की भावना, ये जो बातें बार बार उठती हैं, ये हमारे कर्म की कैसेट बार बार अंदर घूम रही है, हमको वैसा ही न जाता। लेकिन कर्म से ज्यादा बलवान कौन है, कर्म से ज्यादा बलवान कौन है, आत्मा बलवान। लेकिन हमने कभी उसको पावर दिया नहीं, पावर हमने कर्म को दे दिया, इसलिए हमारा कर्मों का कर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात, अभी जिस संसार में हम रहते हैं वह संसार पूरा जेल है। आप क्या समझते हो संसार को, क्या समझते हो, रंगीन है, यह पूरा कैद खाना है जिसमें हम कैदी हैं। हम कैदी हैं कैसे, किस तरह से हमें कर्म की सजा को भोगना चाहिए, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है वो क्रिमिनल है, और जज उसको सजा सुनाता है, उसको 10 साल जेल में रहना है और सश्रम काम सहित उसको सजा सुनाई जा रही है, और प्रतिदिन उनको 10 कोड़े पड़े जाएंगे, पिटा जाएगा उसको, 10 पट्टे से पिटा जाएगा। जज ने सजा सुना दी, अब सजा देगा कौन, सजा कौन देगा उस क्रिमिनल को, सजा कौन देगा जिसके साथ, नहीं नहीं जेल में सजा कौन देता है, जेलर, पता है ना वो जेलर, हाँ जेलर उसको सजा देगा। अगर वो कैदी यह सोचे कि मैंने जेलर का क्या बिगाड़ा, कुछ बिगाड़ा उसने, वो क्यों मेरे को मार रहा है, क्यों मुझे मार रहा है, मैंने उसका कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, पहचाना नहीं, कभी तकलीफ नहीं दी, वो मेरे को क्यों मारता है। अगर ऐसा सोच करके वो कैदी जेलर को मारेगा तो क्या होगा, क्या होने वाला है, बढ़ेगी कि घटेगी, तो आप बढ़ाओगे क्या सजा। हमारे यहाँ संसार के अंदर चाहे पत्नी है कि पति है कि भतीजी है कि सास है कि सास ससुर है, कोई भी है, वो हम हमारे लिए क्या है, जेलर है। जिनसे भी हमें तकलीफ हो रही है मान के चलना वो हमारे लिए जेलर है। आप सामने मत होना, मत होना, कितना शांति रख सकते हो आप,
समता का पार्ट भगवान ने ऐसे नहीं बनाया है, ऐसे नहीं, खुद ने कितना समता रखी। और आपको ध्यान हो 18वें भव में भगवान महावीर के 27 भव माने गए हैं। 18वें भव में क्या थे भगवान महावीर स्वामी, याद है किसी को? याद है त्रिपृष्ठ वासुदेव। 18वें भव में वासुदेव के जीव थे। और वासुदेव तीन लोक के नाथ होते हैं, त्रिलोकी नाथ बोलते हैं उनको, तीन लोक में उनकी सत्ता चलती है। एक दिन वो संगीत सुन रहे थे और फिर उनको नींद आने लगी, तो उन्होंने अपने दरबारी से कहा कि संगीत बंद करवा लो, बंद करवा लो, मुझे सोना है, डिस्टर्ब होगा। लेकिन जो सुनने वाले थे उनको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, उन्होंने सोचा भाई वासुदेव जी तो सो गए, अब संगीत चलने दो। और बीच रात में उनका नींद खुल गया, उनको बुलाया दरबारी को कि संगीत अभी तक बंद नहीं किया आपने, कल दरबार के अंदर आना तुमको सजा मिलेगी। बड़े गुस्से में आ गए वो, मैंने कह दिया और आपने नहीं सुना। कभी अभी देखना आपके भाव आता है ऐसा मन में, परिवार के अंदर भी, मैंने कह दिया नहीं सुना, मतलब अपने आप को इंसान इतना मानता है, बस आई एम ऑल इन ऑल, वॉट एवर आई वॉन्ट टू शुड डू एनी हाउ, नहीं हुआ तो फिर देखना। छोटी सी बातों में उलझते हैं। एक वाइफ ने अपने पति से कहा, हस्बैंड से कहा कि मार्केट से थोड़ा सब्जी लेके आना, भिंडी ले आना, थोड़ी पत्ती की सब्जी ले आना। उसको नहीं मिली, समझ में नहीं आ रहा था, तो दूसरा लेके आया, सब्जी तो लेके आए ही है ना तुरंत, मैंने जो कहा था वो सब्जी अब लाई नहीं, समझा कि इतना भेजा, इतना उसने बवंडर कर दिया। इतना लड़का बड़ा शांत था, उसके हस्बैंड शांत रहे, समझ गए, जब व्यक्ति नेचर को समझ जाता है ना तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, नहीं तो हर दिन की प्रॉब्लम है, हर दिन की प्रॉब्लम है, और कर्म का खाता बढ़ाते ही जाता है, बढ़ाते ही जाता है। और लोग कितने, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, अपने लोग अपने लोगों को ही दुख देते, दूसरों को नहीं देते। अपने घर के लोग कैसे दुखी हो सकते हैं? एक तरफ तो आप सोचते हैं हमारा परिवार सुखी रहे, सब लोग सुखी रहे, बोलने के लिए तो बहुत अच्छा बोलते हो, अंदर से प्रैक्टिकल में कितने दुखी हो सकते हो, उतना दुखी कर लो, फिर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, चांस ढूंढते, चांस ढूंढते, और नहीं तो कुछ ना कुछ निकाल ही देंगे, कोई ना कोई बात ऐसे निकालते हैं कि राय का पहाड़ बनाएंगे पूरा माउंटेन, तो घर में कैसे शांति रह सकती है? और अशांत घर में व्यक्ति रहेगा तो कैसे शांत रह सकता है? और अशांति में तो कर्मों कितने बढ़ते रहते, कितने कितना नेगेटिव पूरा माइंड ऐसा हो जाता है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी की जो सीख है, उन्होंने कैसे जीवन जिया, इन कर्मों को कैसे काटा, वो हमको साक्षात बता रहे हैं। वही भगवान महावीर का जीव 18वें भव में सुबह दरबार में गए और उनको बुलाया दरबारी को, जिसने उन्होंने कहा था ना बंद होना चाहिए, बंद नहीं किया था, और भरे दरबार के अंदर उनका जो इंसल्ट किया है वासुदेव ने, मैंने कहा था और आपने बंद नहीं किया, यानी मेरी आज्ञा का उल्लंघन, इसके कान में गरम गरम शीशा डाल दो, हाँ आज्ञा दे दी। और आपको पता है वो गरम गरम शीशा डालने के बाद व्यक्ति जीवित रहता है, वो भी कान के अंदर डाला गया। उस समय जीव को पता नहीं चला ये ऐसा कर्म बंद गया उनको, क्योंकि एफडी 5 साल कितने साल की होती है, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं ना, एफडी कितने साल की करवाते हो? 5 साल और 10 साल की भी होती है क्या? 20 साल की भी होती होगी, जीवन बीमा भी होता होगा, लाइफ लॉन्ग का भी होता है, लेकिन इंटरेस्ट तो बढ़ता ही जाता है ना। वो पता नहीं जितना साल की आपने बनाया है, क्योंकि कर्म बंधने के 4 स्थान मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से कर्म बंधते हैं, मतलब बहुत प्रोसेस, प्रैक्टिकल प्रोसेस बनाई गई है। तो ये जो शीशा डाला गया था, जो कर्म बंधन हुआ, वो उसका खाते में जमा हो गया, बैंक खाते में, कर्म के खाते में जमा हो गया। लेकिन वो कब पका? जब भगवान महावीर स्वामी साधना के लिए प्रस्थान करते हैं, राजपाट छोड़ के सब कुछ त्याग करके साधना के लिए जब जाते हैं, और उनको तो अवधि ज्ञान था, फिर दीक्षा ले ली तो मन प्रयोग ज्ञान हो गया, और समझ गए कि मेरे लाइफ में कितने संघर्ष आने वाले थे, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ,
वैसे ही वो सारे कष्ट देख रहे थे। भगवान स्वयं इंद्र महाराज आते हैं हेल्प करने के लिए, प्रभु को कहते हैं कि मुझे साथ में रखो, आपके इतने कष्ट आएंगे आप कैसे सहन करोगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन प्रभु को यह पता था कि वीतरागता अपने बलबूते पे ली जाती है, किसी के सहारे नहीं होता, किसी के सपोर्ट से मोक्ष प्राप्त नहीं होता, मोक्ष प्राप्ति के लिए सारे सपोर्ट त्यागने पड़ते। और कहते हैं जब साधना कर रहे थे, खड़े खड़े थे, आंखें बंद थी, काउस सग में थे, एक ग्वाला आ गया और कहा, उनको तो पता नहीं है महावीर स्वामी है, वो तो जानते नहीं थे, उन्होंने कहा मुझे कहीं जाना है, मेरी दो गायें छोड़ के जाता हूँ, आप ध्यान रखना उसका, ये गायें पर ध्यान रखना, दो काउस वहां छोड़ दिए उन्होंने। और जब वो भगवान को तो कुछ भी पता नहीं था, वो बॉडी में थे ही नहीं, इतने गहरे ध्यान में जाते थे कि उनकी आत्मा और लोक में चली जाती थी, तो उनको कुछ भी पता नहीं था बाहर क्या हो रहा है। लेकिन जब वो ग्वाला वापिस आया तो अपनी काउस नहीं देखी उसने, बोले इनके भरोसे छोड़ के गए, इसने कहीं चुरा ली होगी, कितनी बार पूछा, जब उनका काउस तक पूरा भगवान बोले नहीं, मुआ नहीं रहे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था काउस कौन लेके गए। तो वही जीव क्या लाता है, किला, और कहाँ ठोकता है, ऐसे कष्ट तो मेरे ख्याल से किसी के जीवन में नहीं आते। फिर भी प्रभु के जीवन में ये कष्ट आया तो भगवान को याद आ गया, मेरे 18वें भव का बोया हुआ बीज आज पक गया है। तो उस समय भगवान उसको कुछ नहीं बोलते, क्योंकि बलवान कौन था, भगवान बलवान थे, ये वाला बलवान था, भगवान थे, लेकिन भगवान जानते थे ये मेरे लिए क्या है, जेलर है, जेलर के सामने होने से मेरे कर्म बढ़ जाएंगे, मेरी सजा बढ़ जाएगी, मुझे तो सजा को कम करना है, जितना उसको करना है कष्ट देना है देने दो, क्योंकि मैंने गलत काम किया है, मैंने अपराध किया है, तो ये मेरे को सजा दे रहा है। कहते हैं भगवान एकदम स्थिर रहे, शांत हो गए, क्योंकि वो चाहते थे मेरी वजह से इस ग्वाले को कष्ट नहीं हो किले डालने में, ये भगवान की वीरता थी। ऐसे महावीर नहीं बने हैं, प्रभु हमारे लिए इतने आदर्श हैं, उनकी जीवनी को, उनकी लाइफ स्टोरी को पढ़े हमारे रोंगटे खड़े हो जाए, कितना सहन किया प्रभु ने और हमको सिखा गए। तो कभी कभी हमें प्रभु को याद करना चाहिए, महावीर के मानेंगे तो शायद हम शांत रह जाएंगे, लेकिन महावीर को मानेंगे तो डबल बोलेंगे। बहुत जरूरत है हमें, ये जो जीवन मिला है कर्म काटने के लिए मिला है कि कर्म बांधने के लिए मिला है, हैं? कर क्या रहे हो देख लेना, हाँ देखना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों में हम ऐसे उलझते हैं, जब तक वो वेरीफाई नहीं होगी बात, कितने दिन तक बात नहीं करते, कितने दिन तक बात नहीं करते। और कभी हमेशा ध्यान रखना, आपस में कोई भी बात हो भी जाए, बोलना कभी बंद नहीं करना, क्योंकि जब आप बात ही नहीं करेंगे तो आप कोई सॉल्यूशन निकाल ही नहीं पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे। प्रवचन तो कितना बढ़िया सुनते हैं, एक बार कोई बच्चे को लेकर के आ गई फैमिली, और उस दिन संत महाराज फरमा रहे थे, मीठे वचन तू बोले रे तुझे राम मिलेंगे, मीठी वाणी बोलनी चाहिए, इस पे चर्चा हो रही थी। और मैंने देखा यहाँ भी बहुत बच्चे बहुत सीरियसली सुनते हैं, अच्छा सुनते हैं। मैं कई बार पूछ लेती हूँ आज आपने क्या सुना, तो एसेंस तो बता ही देते, आज हमने ये बात सुना। उनका जो बच्चा था बड़ा ध्यान से सुना प्रवचन, घर पे गए कोई बात को लेकर के, क्या खाना बनाना, ये सब्जी बनानी, वो सब्जी नहीं, आज ये आइटम नहीं, उसके चक्कर में थोड़ी बहस हो गई आपस में मम्मी पापा को, उसकी ऐसी बहस हुई, एक उधर एक उधर, वो खाना ही नहीं बना। और बच्चों को क्या वो लाइन याद हो गई, मीठे वचन तू बोले रे तुझे राम मिले, जो गुनगुनाई रहा था, तो पापा के रूम में गया, वहां गा रहे, बोले वहां मम्मी के पास गा, वहां गया, बोले पापा के पास गया। वो बच्चा था इधर से उधर, उधर से उधर, दो बार चक्कर इधर कड़ा, दो बार चक्कर इधर कड़ा, है क्या, वो बीच में आके खड़ा हो गया, दोनों दोनों कमरे एक इधर उनका एक बीच में आके खड़ा हो गया, दोनों को पता नहीं था। उसके पापा उधर आए,
उसकी मम्मी भी उधर आई देखने के लिए, वहां गया कि नहीं गया, और दोनों वहां रास्ते में मिल गए। बच्चा वही गुनगुना रहा था। और बच्चे ने ये लेसन अपने पेरेंट्स को सिखाया, जब व्याख्यान सुनने जाते हैं मीठा बोलना होता है, आप तो घर आके ऐसे बोलने लग गए, गुस्सा करने लग गए आपस में, ऐसे गुस्सा नहीं करते, ये बच्चे ने सीख दी अपने पेरेंट्स को। बंधुओं, हमें समझना है कि कर्म की प्रकृति चार तरीके से कर्म बनते हैं, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। प्रकृति माने नेचर, आठों कर्मों का अपना अलग अलग नेचर है। जो भी कर्म हम मानते हैं, जैसे हमारे भाव होते हैं, मन वचन का योग से तो कर्म बनते ही है, उसके आगे हमारी भावना से बनते हैं। और आपको पता होगा राजा परदेसी का नाम आपने सुना होगा, और इतने वैरागी थे, उनका बेटा छोटा था, लेकिन भगवान महावीर की वाणी सुनने के बाद वो साधु बन गए। तो बेटे को राज तिलक कर लिया और एक साधना कर रहे थे जंगल में। राजा श्रेणिक वहां से रथ में होके जाते हैं और देखते रह जाते हैं कि राजा परदेसी ने राजपाट छोड़ के साधु बन गए और एकदम स्थिरता, इतना काउत्सुक में लीन थे। भगवान महावीर के चरणों में आते हैं श्रेणिक राजा, और उधर किसी दूसरे राजा ने उनके राज्य पे अटैक कर लिया। तो गांव वाले लोग भी बोल रहे थे, वहां से गुजरते हुए उनके आगे से जा रहे थे, कि ये कैसा राजा है, अपने छोटे बच्चे को राजा बना दिया और खुद साधु बन गया। पूरे राज पर, पूरे नगर के अंदर सारे लोग भयभीत थे, क्योंकि दूसरे राजा ने अटैक कर लिया है। ये बात उसके कानों में गई, किसके किसके कानों में गई? राजा परदेसी के कानों। तो जब उसने ये बात सुना, प्रसन्नचंद, उन्हें प्रसन्नचंद के कानों में गई, और उस समय उनके दिमाग के अंदर क्या चला? युद्ध। युद्ध की क्रिया इतनी फटाफट, पूरी सेना तैयार कर रहे हैं, अटैक करना है उनके सामने, और किस तरह से लड़ाई करनी है, युद्ध करना है, सारी बातें उनके दिमाग में चल रही थी इधर। और भगवान महावीर के सामने राजा श्रेणी पूछते हैं कि अभी मैंने रास्ते में प्रसन्नचंद ऋषि का मैंने दर्शन किए हैं, वो इतने ध्यान में मग्न है, अगर इस समय उनकी मृत्यु होती है तो कहां जाएंगे? भगवान फरमाते हैं सातवीं नरक। सातवीं नरक, आश्चर्य। भगवान से पूछते हैं इतने ध्यान मग्न मुनि बने हुए नरक में जाएंगे? श्रेणी सोचने लगते हैं, इधर श्रेणी का चिंतन चल रहा है और उधर मुनि प्रसन्नचंद ऋषि जी जैसे ही अपना हाथ मुकुट बचाने, राजमुकुट जो होता है उनको ऐसा लगता है मेरा राजमुकुट है, जैसे ही उनका हाथ सिर पे जाता है तब उनकी चेतना जागृत होती है, अरे मेरा तो कोई राजमुकुट नहीं है, इच्छा में जो कर्म, मैं तो साधु हूं। इतना रिग्रेट करते हैं, पश्चाताप करते हैं। तो भगवान से राजा श्रेणी पूछते हैं कि इतनी साधना करने के बाद वो सातवीं नरक में कैसे जाएंगे? बोले अब वो देवलोक में जाएंगे, ऊंचे देवलोक में जाएंगे। तो प्रभु से पूछते हैं ऐसे भावधारा कैसे बनी है? तो भगवान पूरा स्पष्ट बताते हैं कि मन वचन काया से तो कर्म लगते हैं, लेकिन साथ में भावना से ज्यादा कर्म लगते हैं। जो किसी को दिखाई नहीं देते, भावना सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, और बार बार कभी भी किसी के प्रति भी हमारे बुरे भाव आए, आप सोने से पहले सबसे मिच्छा में जो कर्म करो, जनरल भी अभी तो जैसे संवत्सरी आएगी, वैसे भी कभी देखिए हम छतमस से वीतराग नहीं है, किसी के प्रति भी अच्छा भाव आ सकता है, किसी के प्रति बुरा भाव आ सकता है। राग कभी दिखाई नहीं देता है, राग को कोई आज तक नहीं पहचान पाया है, और द्वेष सबको दिखाई देता है। किसी के साथ आपका बहुत अटैचमेंट है वो किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन किसी के साथ आपका एवर्जन है, बहुत द्वेष है, तो सबको समझ में आएगा। तो जो प्रकृति कर्म की है ये राग देश से ही बनती है। तो जैसी हमारी भावना होती है तो उस समय कर्म बनते हैं प्रकृति के साथ, यानी जैसा उनका प्रकृति यानी कर्म का नेचर है वैसे कर्म बनता है। और स्थिति यानी कितने समय तक ये कर्म आत्मा के साथ लगेगा, लगा रहेगा, ये उसकी स्थिति हमारे भावधारा के अनुसार बनती है। और अनुभाग का मतलब होता है विपाक, विपाक यानी फल आना, फल होना उसका, जो कर्म हमने बीज बोए हैं उसका वो सुख
शुभ रूप में उदय आएगा या अशुभ रूप में उदय आएगा, तो ये और प्रदेश है वो कर्मों का, सारे कर्म पुद्गल हैं। तो ये चार तरीके से हमारे कर्म बंधन हमारी आत्मा के साथ होते हैं। आपको कर्म से डर लगता कि नहीं लगता? किसको डर लगता है? कर्म से डर लगता है कि नहीं लगता? लगता है। तब तो आप काम करते हुए तो हमेशा ध्यान रखते होंगे, आपके थॉट पे ध्यान जाता है आपका थॉट पे। कर्म से डरते होंगे तो आप जरूर ये देखते होंगे कि कोई भी क्रिया करते हैं तो मेरी क्रिया कैसी है। और छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना, क्योंकि देखिए भगवान महावीर स्वामी ने पहला हमारा आगम है आचारांग, उसमें उन्होंने कोई स्टार्टिंग में कोई आत्मा की बात नहीं की है, स्टार्टिंग में उन्होंने सड जीवनी काय की चर्चा की है। पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति, ये स्थावर के जीव जिसको हम देख नहीं सकते, इनकी ये हमारे प्रतिदिन काम में आते हैं, प्रतिदिन काम में आते हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे आप कोई पानी, कोई एक बर्तन धोते हैं, आपको ध्यान देता है आपका एक बर्तन धोने में पानी कितना जाता है, या नीचे कोई और कोई बर्तन रखते हो कि भाई उसमें सारा पानी आ जाए? एक बर्तन भी धोना है, एक पाप का कोई बाप नहीं है, समझिए ना, समझ रहे हैं? जो चीज आप उपयोग करते हैं, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति, ये हमारे कंटिन्यूस के पाप तो लगते कि नहीं लगते? लगते कि नहीं लगते? तो कम से कम हमें ये ध्यान देना चाहिए। कहते हैं एक एक व्यक्ति ने काचर पूरा छीला था, पूरा काचर, और ऐसा छीला कि एक भी वो स्किन उसकी टूटी नहीं, पूरी अखंड, पूरी अखंड, इतना खुश हुआ। कभी कभी आप चीज बनाते होंगे, हाँ खंदक ऋषि, कभी कभी आप कोई चीज बनाते हैं, इतना डिलीशियस बना दिया और आप अपेक्षा भी रखते हैं कि कोई मेरी तारीफ करे, बहुत बहुत अच्छी बनाई। ये जितना खाते समय भी जितना खुश होते हैं आप, उससे भी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बन रहे हैं। एक तो ठीक है अपने को खाना है, खाना इसको किराया देना पड़ेगा इस बॉडी को, क्योंकि हमारी आत्मा रहती है, ये भाड़े का घर मिला है हमको, ये तो उसको किराया तो देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम टेस्ट ले करके खाएंगे तो क्या होने वाला है, है? और कभी ऐसा कह दिया ये तो चीज़ अच्छा ही नहीं बनाया, ये तो ठीक ही नहीं है, उससे भी क्या लग रहा है, लगता है कि नहीं लगता? तो कम से कम हम कितना समता भाव से, ठीक है हमको खाना है जैसा भी है खा लिया, तो कम से कम खाना से आपका कर्म तो नहीं लगेगा, वो तो लगेगा वो ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा कर्म तो नहीं लगेगा। हम बोनस में कर्म और कमा लेते हैं, पृथ्वी पानी अग्नि वायु बोनस अननेसेसरी करते हैं। तो इसमें भी हमें ध्यान देना है कि कम से कम हम अपने आप को कर्म से कैसे बचा सकते हैं। दूसरी बात, दो दोस्त थे, एक राजपूत था और एक ब्राह्मण, इन दोनों की बहुत जमती थी। एक बार राजपूत अपने ब्राह्मण के घर आया और अचानक उसको समझ में आया कि कोई गांव में चोर लुटेरे घुस गए हैं। तो उसके पास एक घोड़ी थी, तो अपने उसके पास 500 चांदी के सिक्के थे, अपने दोस्त से कहा देख चोर लुटेरे घुसे हैं, मैं उनको मारने के लिए जा रहा हूँ, ये जो 500 सिक्के हैं तो मेरी पत्नी को दे देना। और भरोसा था उसको, दोस्त पे भरोसा था, लेकिन आजकल की दोस्ती कागजों के फूल है, आजकल की दोस्ती कागजों के फूल है, देखने में खूबसूरत सूंघने में धूल है। वो दोस्त उसका ऐसा दगाबाज निकल गया, वो तो चला गया घोड़ी को लेके, लेकिन उसके मन में आया कि इसकी वाइफ तो मेरे सामने थी नहीं, ये 500 सिक्के, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है, और 500 सिक्के सामने आने के बाद उसका लोभ बढ़ गया, उसने कहा उसको नहीं भी दूंगा तो चलेगा, वो आ जाएगा तो बात अलग है, अगर मर जाएगा तो देने का मेरा विचार नहीं है, ऐसा उसने सोच लिया। अरे योग से कुछ उसकी घोड़ी ने उसको साथ नहीं दिया तो उसकी डेथ हो गई, चोर लुटेरों के साथ युद्ध करते समय इसकी डेथ हो गई। ब्राह्मण को पता चल गया, अब उसने वो 500 सिक्के अपने पास रखे, कोई समझे नहीं समझे, कोई सपोर्ट करे नहीं करे, एक कर्म सपोर्ट कर देते। ये ऐसा न्यायालय है, यहाँ हर किसी को बराबर न्याय मिलता है, बराबर। आप जब जर्नी करते हो ट्रेन से इंडिया में, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास स्लीपर कोच ऐसे होता है, नहीं होता है। लेकिन जब आप फर्स्ट
फर्स्ट क्लास में बैठोगे, जब आपका ट्रेन प्लेटफॉर्म आएगा आप उतरोगे कहाँ पे? कौन से फर्स्ट क्लास के प्लेटफॉर्म पे उतरोगे? कौन सी प्लेटफॉर्म पे उतरोगे? गाड़ी के डिब्बे में ही था, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वहां पे फर्क था, लेकिन उतरे वहां पे सब एक जैसे हो गए। यहाँ मुंह से खा लो, बादाम का सिरा खा लो और गेहूं का सिरा खा लो, आटे का सिरा खा लो, यहाँ फर्क लग सकता है। अंदर गया भाई, आज पेट का बादाम का सिरा खाया, आज तो इसको निकालना ही नहीं है। है कितने दिन तक रखोगे? है कितने दिन? बस यहाँ तक है, वो भी थोड़ी देर के लिए। अंदर सब गया, सब बराबर, कोई फर्क नहीं। इसी तरह से कर्म जब करते हैं ना, किसी के साथ ज्यादा अटैचमेंट, किसी के साथ डिटैचमेंट, वो करते हैं तब तक ही, फिर उनके जाने के बाद है एक कर्म का लेखा बराबर हो जाता है। बाहर हम भेदभाव कर ले किसी से ज्यादा किसी से कम, कर्म के दरबार के अंदर सब एक जैसे हो जाते हैं। एक एक को भुगतान करना पड़ता है, कोई बच नहीं सकता इससे। तो इसका ध्यान कर्म ने रखा, अब उसने क्या वो 500 सिक्के ऐसे हजम कर लिए, जो चाहा वो उसका उपयोग किया और इसकी शादी भी हो गई, घर भी हो गया, सब कुछ हो गया। उसके घर में बच्चा पैदा होता है और वो लड़का 21 साल का 22 साल का हो गया, इतनी रौनक हो गई पूरे गांव के अंदर, इस ब्राह्मण की एक अच्छी रेपुटेशन बढ़ गई। और समय के साथ लड़का 25 साल का हो गया, इसका शादी भी किया। तब तक उसके घर में बहुत सुख शांति रहा, सुख शांति रहा। जिस दिन उसकी शादी हुई, घर पे आए और उस बेटे के पेट में ऐसा भयंकर दर्द हुआ, अचानक ऐसा बीमार हो गया, पूरी रात नहीं सोया, जितने डॉक्टर को दिखा सकते थे उस गांव में दिखा दिए, लेकिन उस बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ा। उस शादी के दिन से लेकर कंटिन्यू एक महीना हो रहा है, बच्चा परेशान हो रहा है, पूरा परिवार परेशान हो रहा है। वो लड़की जो आई है उसकी बहू, उसकी मेहंदी भी हाथ से नहीं उतरी है, वो भी परेशान, पूरा परिवार टेंशन के अंदर है। 25 साल उसके घर में जितनी रोशनी थी, खुशियां थी, आज पूरा मातम जैसा छा गया। क्यों? एक ही व्यक्ति ठीक नहीं है, बाकी तो सब ठीक है। सारा उसका ट्रीटमेंट कराया, डॉक्टर ने बोला उसको आउट ऑफ इंडिया ले जाओ, क्या पता लंदन में ही आए होंगे। लंदन भी आ गए, सारा ट्रीटमेंट यहाँ हुआ, डॉक्टर बोलता है राम का नाम भजो, कुछ नहीं है, जिए जितना अच्छा है, वापिस इंडिया लेके आ गए। और उसके पिता को इतना प्यारा बच्चा था वो, तो उसके पास ही बैठते थे, रात को कभी नींद आ गई तो ठीक है, जैसे जगे रहते थे। एक दिन वो रात में लड़का ऐसे बैठ गया और उसके पिता उसके सिर पे हाथ रखे थे, बोले पापा आंखों से पानी क्यों आ रहा है, इतने दिन हो गए क्यों रो रहे हो? बोले बेटा ये सवाल मुझसे करते हो तुम, तुम्हारी हालत देखी क्या, 3 महीने हो रहे हैं तुम, एक प्रतिदिन तुम्हारा ट्रीटमेंट हो रहा है और कैसे भी करके हम चाहते तुम ठीक हो जाओ, लेकिन तुम्हारी हालत तो दिन प्रतिदिन बिगड़ ही रही है, और ये वेदना मुझे तुम्हारा दर्द है और एक बाप की आंखों से आंसू नहीं आएगा। तो बोले अब आपको रोने की जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत। बोले क्यों? बोले आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? पहचाना नहीं? बोले पहचानना क्या है, तू मेरा बेटा है? बोले हूं, पर मैं आपका दोस्त हूं। आपका कोई राजपूत दोस्त था क्या? पूरा पास्ट की मेमोरी आ गया, उसको ज्ञान हो गया, उस लड़के को इंट्यूशन हो गया। बोले मैं आपका वही मित्र हूं जो आपने 500 चांदी के सिक्के पचा लिए, पूरा ब्याज सहित मैंने चुका दिया है, आज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मैं जा रहा हूं बाय करने के लिए, आपको बात किया। उसने कहा बेटा मुझे एक बात बता दे, मैंने 500 सिक्के मैंने चुराए, मैंने हजम किए, लेकिन तुम्हारी वाइफ ने क्या बिगाड़ा, उनको यह सजा? बोले वो भी इसी के लायक थे, क्योंकि जब मैं युद्ध कर रहा था लुटेरों के साथ, लड़ाई कर रहा था, तो इसने मुझे सपोर्ट नहीं किया और इसी वजह से मैं भी मर गया और ये जीवित रह गई, जो पीड़ा होगी वो ये भी भोग लेगी। यानी सभी अपने कर्म का कर्जा भोग रहे हैं, कोई नई बात। तो अंत में आज के इस कर्म को कम करने के लिए परिश्रम के जो पावन दिन आए हैं,
और मुझे फक्र है भाई जीतू ने और अंशु ने, दोनों ने सजोड़े थोड़ा आगे पीछे करके तपस्या की है। और मेरे ख्याल से अंशु तो कुछ ज़्यादा ही बिजी रहती है, डॉक्टर है, 50 उसके अंडर में काम करने वाले हैं। लेकिन मैंने ये देखा ये कपल 63 नंबर की गाड़ी में रोज जाते हैं, सफ़र करते हैं 63 नंबर गाड़ी। मैंने कई कपलों को नाम दे रखा है 63 नंबर। और ये मेरा तो आपका गुड लक है ये चीज, क्योंकि एक ही गाड़ी के दो पहिए बराबर होना अच्छा है। प्रसंग में बता देती हूँ, आज नहीं अभी हमारा एंगर मैनेजमेंट लेके तब बताऊंगी, क्योंकि अभी अपनी गाड़ी तेजी से जा रही है। तीन दोनों के थॉट्स बहुत मिलते हैं, मैंने इतना बात नहीं किया अंशु को तो मैंने आज ही देखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगा है काफी इनारे थॉट्स में काफी सिमिलरिटी। और जहां एक जैसे विचार होते हैं वहां बात बहुत अच्छी हो जाती है। कुछ भी करना हो, चाहे गृहस्थ का काम हो, चाहे धर्म का काम हो, चाहे कर्म का काम हो, बहुत सहूलियत होती है। और 24 आवर्स व्यक्ति एवरग्रीन रहता है। एवरग्रीन रहने के लिए आप कैसे भी करके एडजस्टमेंट अच्छा करना सीख लीजिए। पहले लोग बोलते महाराज पहले एडजस्टमेंट करके ही चलते, अब तो एडजस्टमेंट होता ही नहीं है। मैंने कहा कैसे भी करके करो। और ये साधन इतना बढ़िया है, आप सबको जेलर समझोगे तो आपके आवेश क्रोध मान माया लोग कभी उफान नहीं आएंगे, आप अपने आप को शांत रख पाओगे। और जितना हो सके हम दूसरों को चेंज करने का कोशिश नहीं करें। किसको चेंज करना है, किसको, हम तरीका बताने वाले हैं नेक्स्ट में, अपन लेंगे इस सेशन को भी, कि हमें अपने आप को चेंज करना है। तो मैं आज बहुत लंबा नहीं करती हुई भाई जीतू के प्रति, क्योंकि हमारा पड़ोसी है, इनका गांव जसोल, मेरा गांव समदड़ी, अराउंड 30 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है और एक ही गोत्र के हैं। तो इनके प्रति भी मैं शुभकामना करूंगी। मैंने बोला है जिनके भी आंट की तपस्या उससे ऊपर है हम लोग कंपोज करेंगे। इस बार समणी सुमन प्रज्ञा जी ने गाया है, लेकिन हम लास्ट में एक स्टेंजा में गाऊंगी, तो हम सभी फूल खिलाएंगे तब के। क्या खिलाएंगे?